अक्षय कुमार की मूवी आने वाली है मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू। ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, तुमको कैसा लगा बताना जरूर। लेकिन अगर पिक्चर के नाम सुन के थोड़ा सा ही ऐसा क्लिक हुआ है तुमको, तो शायद तुम सही हो, क्योंकि रूमर्स के हिसाब से पहले पिक्चर का नाम कैप्सूल गिल होने वाला था, फिर जब इसकी शूटिंग चल रही थी वर्किंग टाइटल में तो ग्रेट इंडियन रेस्क्यू के नाम से इसको प्रमोट किया जा रहा था। इंडियन रेस्क्यू को चेंज करके भारत रेस्क्यू क्यों कर दिया गया आई डोंट नो, क्योंकि पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाएंगे हम लोग। ट्रेलर की बात करें तो एक चीज जो ऐसा बार बार नोटिस हुई, माइनर वाले डायलॉग्स। क्या तुमने भी वही सोचा जो मैंने सोचा? मतलब कभी कभी होता है ना यार, कैसे रैंडम शिट सुन के इंसान को हंसी आने लगती है, उसके पीछे का रीजन कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो इसके अंदर जो दो तीन बार अपने को माइनर बोले गए हैं वो MINER जो खदान में खोदते हैं, उसके बदले हमेशा मेरे माइंड में जो पहली चीज पॉप हुई वो MINOR माइनर। इतने में परिणीति चोपड़ा का ये डायलॉग आ जाता है, वो मेरे पति बाद में है, पहले एक माइनर है। जेल में डालो इसको। टीनू देसाई इस मूवी के डायरेक्टर हैं। इससे पहले उन्होंने 1920 लंदन डायरेक्ट करी है, मैंने नहीं देखी बट रुस्तम देखी है। रुस्तम के बाद ये मिशन रानीगंज जा रहा है उनका, और ये भी बेस्ड होने वाला है ट्रू इवेंट्स के ऊपर। इसका मतलब कि अगर तुमको जानना है क्या हुआ था, डेरो वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। लेकिन बात ऐसी होगी ना कि अगर ये मूवी फिक्शनल स्टोरी भी होती फिर भी इसका ट्रेलर देखने के बाद मोटा मोटा अंदाजा लग जाता कि क्या होने वाला है। मूवी की स्टोरी बिगिनिंग और एंडिंग से लेके अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस कितना और कैसा होगा, इसका ट्रेलर उस कैटेगरी में फिट बैठ जाएगा जिससे मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड तो नहीं हूँ, लेकिन इसने मुझे सुपर इम्प्रेस भी नहीं किया। होता है ना कि टीजर ट्रेलर देखने के बाद अंदर से एक आग जलती है कि भाई ये पिक्चर तो देखनी है, वो फील नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं इसको देखूंगा क्योंकि वीडियो बनाना है, पेशा कमाना है, तो सब्सक्राइब, क्योंकि तुम में से 53% लोगों ने नहीं किया है तो उनको मेरी बद्दुआ लगेगी। मूवी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और फोकल पॉइंट होने वाला है माइंड के अंदर फंसे हुए लोग, उनके सीन्स परफेक्ट नहीं थे, अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि पिक्चर के अंदर वो फेक ना लगे। बस ओवरऑल ट्रेलर भी अपने आप में कोहेसिव फीलिंग नहीं देता है, बस एक के बाद एक डायलॉग बोल दिए ताकि थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। उसका ओवरऑल मिक्सिंग और एडिटिंग थोड़ा बेटर होना चाहिए था। तो इसीलिए एट दिस पॉइंट में एक ही चीज इस मूवी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो पूरा रेस्क्यू मिशन है उसको थोड़ा डिटेल में जाके बताए क्या हुआ, क्यों फंसे, उनको कैसे निकाला। ऐसा ना हो कि अपना मेन कैरेक्टर सिर्फ अंदर घुस गया तो सोल्यूशन बन गया। ये शॉट के अंदर बैकग्राउंड में ब्लैक बोर्ड पे काफी प्लान्स वगैरह लिखे हुए, तो उससे मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि थोड़ा डिटेल में जाएंगे। लेकिन अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो तो आज 25 तारीख हो गई, 6 तारीख को पिक्चर रिलीज है 10-11 दिन में, तो ये सुनकर तुमको लग सकता है कि कितना छोटा है इसका मार्केटिंग टाइम। नर्वस नहीं होना क्योंकि आजकल यही ट्रेंड सा बन चुका है, अपने कंटेंट के ऊपर बिलीव करो। ठीक जैसे अक्षय कुमार की पिछली मूवी OMG 2 चली थी, 150 करोड़ नेट कलेक्शन किए इंडिया में, वो भी गदर 2 के सामने। और अगर तुमने नोटिस किया तो पिछले कुछ महीनों से बॉलीवुड की मूवीज अच्छा पैसा कमा रही है, तो फिर ये भी कर सकती है। बट एक क्रूशियल पॉइंट पे जहाँ पे मिस हो गया, ट्रेलर और रिलीज में टाइम छोटा रखते हैं क्योंकि उससे पहले गाने निकाल के मेन मार्केटिंग करी जाए। मिशन रानीगंज के गाने थे क्या? एक ही मैंने सुना, वो भी खुद से सर्च करके, और वो ठीक है लेकिन मार्केटिंग टूल के हिसाब से उतना इफेक्टिव नहीं। तो आप यहाँ पे बस उम्मीद ही लगा सकते हैं कि ये जो चीज कम पड़ी है उसको फुलफिल करेगी पिक्चर की स्टोरी और उसका कंटेंट। विकी कौशल की मूवी रिलीज हुई पिछले हफ्ते, यशराज ने प्रोड्यूस करी है लेकिन मार्केटिंग ऑलमोस्ट जीरो। उन्होंने शायद नया रूल बनाया कि पिक्चर रिलीज करो और किसी को पता ही ना चले। कैसी मूवी है मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, क्लिक करके चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।